दोस्तों, तो चलते हैं हम पुष्कर से जोधपुर की तरफ। जोधपुर ऐतिहासिक तरीके से मारवाड़ की राजस्थानी है और राजस्थान में स्थित है। जोधपुर सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर राजमहल, किले, मंदिरें और थार रण देखने के स्थल है। जोधपुर को नीली सिटी भी कहा जाता है, या तो इसको ब्लू सिटी भी कहते हैं। यह इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोगों के घर और दीवारों के रंग नीले हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो दोस्तों, आप ही देखिए इन नीले रंगों की आर्किटेक्चर को, आपको कैसा लग रहा है नहीं? बहुत ही सुंदर। तो फिर आइए इनको देखते हैं। मैं रात को, यानी कि काफ़ी शाम को जोधपुर पहुंची थी और मेरी जो हॉस्टल थी वहाँ से ये जगह कुछ ही दूरी पे थी, जो कि 10 मिनट चलने से ही पहुंच सकते थे। तो पैदल चलते चलते मैंने इन नज़ारों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये रास्ता हॉस्टल की तरफ जाता है, हॉस्टल जो कि काफ़ी फेमस हॉस्टल है। यहाँ की जो हॉस्टल है, उस तरफ जाने मैं निकल पड़ी थी। रास्ते में ये सब मुझे देखती देखती चलती रही थी। हॉस्टल में मेरे एक दोस्त रुके थे, उनसे मैं मिलने आई थी। तो दोस्तों, ये है हॉस्टल, हॉस्टल जो कि अंदर से बेहद ही खूबसूरत थी। यहाँ का आर्किटेक्चर एकदम राजस्थानी हिस्टोरिकल टाइप का था। यहाँ की सजावट मुझे बहुत ही पसंद आई थी। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर है। पुराने जमाने की यादें ताज़ा हो जाती है इस जगह को देख के। अगर आपको भी एंशियंट चीज़ें और मॉडर्न का कॉम्बिनेशन देखना पसंद है, तो ये हॉस्टल बहुत ही अच्छी जगह है। ये यहाँ का कैफ़े था, जहाँ पर बैठ के आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहे तो इंडोर कैफ़े में बैठ सकते हैं, या तो फिर ओपन एयर टेरेस। ये है यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट, जो है इनका रूफ टेरेस रेस्टोरेंट कैफ़े। इस रूफ टेरेस से ये बहुत ही सुंदर दिखता था, स्पेशली यहाँ का कैंडल लाइट डिनर। वाओ, और ये व्यूज। यहाँ कुछ ऑर्डर करके हमने डिनर किया था, उसके बाद मैं वापस लौट गई थी अपने हॉस्टल। रास्ते में मैंने तुलजी का जालरा देखा था, जो कि एक स्टेप वेल है। तुलजी का जालरा कुछ इस प्रकार है। स्टेप वेल है जहाँ पे पानी संग्रह करने के लिए बनाए गए थे पुराने जमाने में। चलते चलते मैं अपनी हॉस्टल की तरफ चली गई। सुबह जब मैंने देखा तो मेरी हॉस्टल से ये मेहरनगढ़ फोर्ट का व्यू ऐसे दिख रहा था। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मेहरनगढ़ फोर्ट से। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेहरनगढ़ फोर्ट। मेहरनगढ़ फोर्ट भारत के राजस्थान प्रांत में जोधपुर शहर में स्थित है। 15वीं शताब्दी का यह विशालकाय किला पथरीले चट्टान पहाड़ी पर मैदान से 126 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 8 द्वारों व अनगिनत बुर्जों से युक्त 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवारों से घिरा है। बाहर से अदृश्य घुमावदार सड़कों से जुड़े इस किले के 4 द्वार हैं। किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम हैं। इनमें से उल्लेखनीय है मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिले खाना, दौलत खाना आदि। इन महलों में भारतीय राजवंशों के सात सामान का इसमें कारी संग्रह निहित है। इसके अतिरिक्त यहाँ आने के बाद
आपको यहाँ की एंट्रेंस टिकट लेनी पड़ती है जो कुछ 150 से 200 रुपए तक की है, और एक ऑडियो जो कि गाइड का काम करता है उसके अलग चार्जेस, और एलिवेटर से अगर आप जाना चाहें तो उसके अलग से चार्जेस है। तो सब मिला के 350 रुपए तक हो गए थे। युद्ध के समय में इस्तेमाल की गई हुई तोपों के साथ फोटोज लेना तो बनता ही है। ये है यहाँ का नक्शा जो कि राव जोधा राजा ने बनवाया था। ऊपर से देखते हुए ब्लू सिटी भी दिखाई देती है। ऊपर से इन दीवारों का नजारा बेहद ही खुशनुमा दिख रहा है। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। फिर रंग के इनके घर बेहद ही सुंदर दिख रहे थे। अगर आप चाहें तो आप ब्लू सिटी भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अंदर की तरफ देखते हैं। इन महलों में भारतीय राजवंशों के सात सामान का विस्मयकारी संग्रह निहित है। इसके अतिरिक्त पालकियां, हाथियों के हौदे, विभिन्न शैलियों के लघु चित्र, संगीत वाद्य, पोशाकों व फर्नीचर का आश्चर्यजनक संग्रह भी है। उस समय में राजा और रानियों के लिए अलग अलग पालकियां होती थी। ये पालकियां बेहद ही सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रही थी। यहाँ पे हमें हर जानकारी ऑडियो मैसेज से दी जाती है। पालकियों का इस्तेमाल तो हमने चलचित्रों में देखा ही है। रानी की पालकियां इस प्रकार की होती थी, उनमें पर्दे लगे होते थे ताकि कोई रानियों को देखे ना। ये पालकियां बेहद ही सुंदर और बारीकी कारीगरी से बनाई गई थी। की चाली की सुंदरता भी आप देख सकते हैं। और यह है राजा की पालकी जो कि बेहद ही सुंदर दिखाई दे रही है। और अब यह है सारे हथियार जैसे कि तलवारें जो कि उन समय के राजाओं ने उपयोग में ली थी। तो आइए कुछ और जानकारी आपको दे देती हूँ मैरनगढ़ फोर्ट के बारे में। यह किला भारत के प्राचीन काल किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। राव जोधा जोधपुर के राजा रणमल की 24 संतानों में से एक थे। वे जोधपुर के 15वें शासक बने। शासन की बागडोर संभालने के लिए साल बाद राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला असुरक्षित है। उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 1 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर नया किला बनवाने का विचार प्रस्तुत किया। इस पहाड़ी को भोर चिड़ियां टोक के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां काफ़ी पक्षी रहते थे। राव जोधा ने 12वीं में
1459 ईस्वी सन को इस पहाड़ी पर किले की नींव डाली, जो कि आकृति का है। महाराज जसवंत सिंह ने इसे पूरा किया। मूल रूप से किले के 7 द्वार, जिसको पोल बोला जाता है, 8वां द्वार गुप्त है। प्रथम द्वार पर दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।